नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग लंदन के अंदर जो इंडियन हाई कमीशन है वहां की ये वीडियो फुटेज आपको देखने को मिल रही है कुछ खालिस्तानी सिंपथाइजर्स यहां पे आए इनके पास अमृतपाल सिंह की फोटो थी आगे की तरफ से ये प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़े इन्होंने इंडियन फ्लैग को नीचे की तरफ उतारा उसको डिसरिस्पेक्ट किया और खालिस्तानी फ्लैग को यहाँ पे लगाने की कोशिश की आप देखोगे कि एम्बेसी के अंदर से निकल के एक ऑफिशियल भी अभी बाहर आएगा ओवरऑल इस पूरी एक्टिविटी को रोकने की कोशिश करेगा बट बहुत ज्यादा वॉयेंट यहां पे कोई नहीं हुआ खालिस्तानी सिंपथाइजर्स भी नहीं हुए जो कि जेल में जा सकते थे और एम्बेसी ऑफिशियल भी नहीं हुआ जो कि प्रोटोकॉल के अगेंस्ट होता यहां पे इस प्रकार से खालिस्तानी फैग को लगाने की भी कोशिश की गई तो इस बात को लेके इंडिया के अंदर जो यूके के सबसे बड़े डिप्लोमैट है उनको समन किया गया है इंडिया की तरफ से एक स्ट्रांग प्रोटेस्ट भी यहां पे दर्ज किया गया है टुवर्ड्स यूके देखिए क्या किया जा रहा है दो सीनियर मोस्ट जो यूके के डिप्लोमैट है दिल्ली में जो कि आप कह लो हाई कमिश्नर है यूके के इंडिया के अंदर हाई कमिश्नर बोला जा रहा है जो दोनों कंट्रीज कॉमनवेल्थ की पार्ट थी तो इंडिया अपने स्ट्रांग प्रोटेस्ट को यहां पे पुट अप कर रहा है इंडियन हाई कमीशन के बाहर प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी क्यों नहीं थी किस प्रकार से ये खालिस्तानी सेपरेटिस्ट प्लेटफॉर्म पे आगे खड़े हो गए वहां पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी यूके गवर्नमेंट वियना कन्वेंशन के अंदर अपनी बेसिक ऑब्लिगेशन को क्यों नहीं पूरा कर पाई और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम भारत सरकार यूके की सरकार से ये भी रिक्वेस्ट कर रही है कि आप इमीजिएट स्टेप्स लीजिए आइडेंटिफाई करिए अरेस्ट करिए और प्रोसिक्यूट करिए उन इंडिविजुअल्स को जो कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे अब सबसे पहले सिक्योरिटी टर्म्स में अगर मैं बात करूं कि ये इवेंट हुआ कैसे तो मैं आपको बता दूं ओवरऑल मैं कुछ वीडियो फुटेज दिखा के आपको बताना चाहूंगा कि नॉर्मल कर जो इंडियन एम्बेसी है या फिर आप कह लो बाकी देशों की एम्बेसी है यूके के अंदर उसके बाहर नॉर्मल कर आपको सिक्योरिटी नहीं दिखेगी जैसे कि यहां पे मैं आपके लिए एक वीडियो फुटेज प्ले कर रहा हूं आप इस पर्टिकुलर वीडियो फुटेज में देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एम्बेसी के बाहर कोई भी सिक्योरिटी नहीं खड़ी है इनफैक्ट सिर्फ इंडियन एम्बेसी ही नहीं दोस्तों इस पर्टिकुलर इलाके में अगर आप लंडन में घूमेंगे तो आप देख जितनी भी एम्बेसीज आपको दूसरी कंट्रीज की दिख रही हैं अमूमन उनके गेट के बाहर कोई सिक्योरिटी नहीं करी है ऑब्वियस ही बात अगर आप इन एम्बेसीज के अंदर एंटर करोगे तो आर्म्ड गार्ड्स खड़े होंगे क्योंकि हर एम्बेसी अपने देश के कुछ आर्म्ड बॉडी को भी लेके आती है लेकिन इन एम्बेसीज के बाहर खड़े होने के लिए भी पुलिस स्टाफ चाहिए चूंकि नॉर्मल कर लंदन जैसे शहरों में नहीं खड़ा होता क्योंकि लंदन जैसे शहरों को बहुत हद तक सेफ समझा जाता है वैसे जो दोनों वीडियो फुटेज मैंने आपको दिखाई थी मैंने तब शॉट की थी जब मैं वहां पे गया था मुझे भी लगा था कि यार सिक्योरिटी नहीं है थोड़ा अजीब सा है बट नॉर्मल कर अगर आप किसी भी यूरोपियन देश में जाओगे आप पेरिस में चले जाओ लंडन में चले जाओ भले यहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स हुए और नॉर्मल कर एम्बेसीज के बाहर आपको सिक्योरिटी खड़ी नजर नहीं आएगी वहीं पे इंडिया के अंदर अगर आप बाकी देशों के एम्बेसी के बाहर जाके खड़े हो तो आपको काफी भारी सिक्योरिटी दिखेगी पाकिस्तान के अंदर दिखेगी तो ओवरऑल इंडिया ने यहाँ पे प्रोटेस्ट सबमिट किया इस रिस्पेक्ट में जो ब्रिटेन के एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर एलेक्स एलिस इन्होंने यहाँ पे एक यू you नो know, मतलब सॉरी मैसेज पोस्ट किया उन्होंने बोलाई कंडेम द डिसग्रेसफुल एक्ट्स टुडे अगेंस्ट द पीपल एंड प्रोमाइस ऑफ द हाई कमीशन ऑफ इंडिया लंडन टोटली अनएक्सेप्टेबल वैसे मैं बता दूं कि इंग्लैंड के अंदर ओवरऑल इंडियन सिंबल्स के ऊपर अटैक रेगुलरली हुए हैं पिछली बार अगर आप देखो तो जब कश्मीर में लॉकडाउन लगा था जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन आया था तब भी ब्रिटेन के हाई कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट हुए थे जब जम्मू एंड कश्मीर के यू नो स्पेशल स्टेटस को हटाया गया था तब भी इंडियन हाई कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट हुए थे तो जब भी इस प्रकार की कोई सेंसिटिव एक्टिविटी होती है अभी अमृत पाल सिंह वाला मुद्दा चल रहा है तो वो खालिस्तानी सिंपथाइजर है तो उसको लेके इंडियन हाई कमीशन के, के बाहर खड़े हो गए ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी टेम्पल्स के ऊपर अटैक हो रहे हैं तो इस प्रकार की डेवलप्ड कंट्री के ऊपर जब भी इस प्रकार का कोई इवेंट होता है तो हमारे देश की तरफ से एक ऑफिशियल रिस्पॉन्स जाता है कि आप सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर कुछ करिए बेसिक मैना कन्वेंशन की गाइडलाइंस वायलेट हो रही हैं लेकिन ज़्यादातर इस प्रकार के मुद्दों में बहुत कुछ होता नहीं क्योंकि इस प्रकार के प्रोटेस्ट ऐसी कंट्रीज़ में होते हैं जहां पे बेसिक फ्रीडम्स फंडामेंटल फ्रीडम्स बहुत स्ट्रांग जैसे यूके हो गया यूएस हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया इस प्रकार की कंट्रीज़ में अगर किसी इंडियन मुद्दे को लेके प्रोटेस्ट होगा तो वो प्रोटेस्ट अंटेन एललेस बहुत ज्यादा वॉयलेंट ना हो जैसे फॉर एग्जांपल इस प्रोटेस्ट में झंडे को नीचे गिराया गया लेकिन किसी को मारा पीटने वाला काम नहीं हुआ आपने देखा इंडियन एम्बेसी से बाहर निकला ऑफिशियल तो उस ऑफिशियल के बीच में जो खालिस्तानी सिंपथाइजर ऊपर चढ़ा था कोई मुठभेड़ नहीं हुई कोई लड़ाई नहीं हुई कोई मुक्केबाजी नहीं हुई उस प्रकार का वॉयलेंस होता है तब लीगल एक्शन बनता है अब इंडियन फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट किया गया है तो इस डिसरिस्पेक्ट को यूके का हाई कमीशन यूके की पुलिस कितना सीरियसली लेगी यह अपने आप में क्वेश्चनेबल फैक्ट है हो सकता है पुलिस लॉकअप में बंद किया जाए एक छोटी सी एफआईआर रजिस्टर कर ली जाए और अक्सर कर आपने देखा है कि कनाडा, यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया इस प्रकार की कंट्रीज से ही खालिस्तानी सिंपथाइजर्स अपने व्यू पॉइंट को बहुत ओपनली एक्सप्रेस करते हैं जब भी कोई अमृतपालय सिंह जैसा खालिस्तानी सिंफेसाइजर इंडिया के अंदर आता है तो क्या होता है वो भी आप देख ही रहे हो चूंकि इंडिया के अंदर तो इनस्टेबिलिटी भारत सरकार नहीं फैलने देगी अभी तो पंजाब पुलिस ही पीछे पड़ी है लेकिन देश के बाहर जरूर इस प्रकार के प्रोटेस्ट करके ये ओवरऑल अपना मैसेज भेजने की कोशिश करते हैं तो क्या किया जा सकता है देखिए कुछ नहीं किया जा सकता ओवरऑल इस प्रकार की एक्टिविटीज आगे भी होती रहेंगी एंटी सोशल एलिमेंट्स पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं कोई सोसाइटी कितनी भी डेवलप्ड हो जाए कोई धर्म कितना भी आगे बढ़ जाए कुछ ना कुछ लोग उसमें ज़रूर होंगे जो कि इनस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश करेंगे लेकिन अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग है अगर आपके बेसिक फंडामेंटल्स डेमोक्रेसी के स्ट्रांग है तो इस प्रकार के इवेंट्स होते ज़रूर रहेंगे बट वो कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं डाल पाएंगे आपका इस इवेंट के बारे में क्या व्यू पॉइंट है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा